हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 93 एंड अपवर्ड। जिन्होंने 93 से पहले के क्वेश्चन नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखकर देख सकते हैं। 93 क्वेश्चन देखें। आफ्टर कंसिडरिंग द करेक्टर्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले टेल हु वाज द एल्डर और यंगर बोथ इन एडवर्ड द सेकेंड। एडवर्ड द सेकेंड में कौन थे एल्डर और यंगर? मार्टिमर, शेक्सपियर, सॉरी स्पेंसर, बोथ ए बी। तो करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए बी। हु रोट द कॉमेडी? ये कॉमेडी किसने लिखी? द केस इज अल्टर्ड। केस इज अल्टर्ड किसने लिखी थी? बेन जॉनसन ने। हु वाज नोन फॉर हिज सिनिकन प्लेज ऑफ ब्लड? तो सिनिकन प्लेज ऑफ ब्लड के लिए कौन फेमस है? जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर का परी आपको पता होगा, डची जो मालपी भी काफ़ी ब्लड सेट है उसमें भी। आगे देखें। हु बिलोंग टू स्कूल ऑफ सिनिका? सिनिका के स्कूल से कौन संबंधित है? तो कौन है? चैंपमैन और मार्सन। हुज वर्क इज मेलोड्रामेटिक और सेंसनेशनल? किसके वर्क मेलोड्रामिक और सेंसनेशनल थे? किसके थे? 97 में ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, जॉन वेबस्टर। व्हेन वाज जॉन वेबस्टर्स द वाइट डेविल पब्लिश्ड? तो जॉन वेबस्टर का वाइट डेविल कब पब्लिश हुआ था? 1612 में। 1612 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें। सम ऑफ जॉन वेबस्टर फेमस वर्क? जॉन वेबस्टर का फेमस वर्क कौन सा था? डचेस ऑफ माल्फी। वाइट डेविल भी फेमस था और डेविल्स ला केस भी फेमस था, तो सभी इसके फेमस हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बुक मदर हबर्ट्स टेल इज रिटन बाई? ये किसकी बुक है? किसकी बुक है ये? मिडल्टन की। ब्लैक बुक और मदर हबर्ट्स टेल ये किसकी है? मिडल्टन की। वेयर द बी सक इज अ सॉन्ग फ्रॉम विच ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर के कौन से प्ले में लिया गया है ये सॉन्ग? वेयर द बी सक्स ये किसके? ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट या आपका एज यू लाइक इट? तो टेम्पेस्ट से ये लिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है 101 का। सेक्सुअल पोजिशिवनेस इज अ थीम ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर का सेक्सुअल पोजिशिवनेस थीम था किसका? ऑप्शन चार है आपके सामने, एक सेकेंड, पाँच सेकेंड का टाइम है। आई होप सभी ने सोच लिया होगा। तो ये कौन सा था? एमिड समर नाइट्स ड्रीम। सेक्सुअल जेलसी इज अ थीम ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर जेलसी थीम था शेक्सपियर के कौन से प्ले में? मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, टेम्पेस्ट या किंग लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी ओथेलो। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रैक्टिनियर जैकोबियन ट्रेजडी? कौन सी इनमें से जैकोबियन ट्रेजडी नहीं है? ठीक है, नॉट नहीं है मतलब कौन सी नहीं है? ए जॉर्ज विलियर नहीं है इसमें, बाकी सभी ये ट्रेजडी लिखते थे, जैकोबियन ट्रेजडी लिखते थे, वेबस्टर भी, मार्सन भी और मिडल्टन भी। क्वेश्चन नंबर 105 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर जैकोबियन प्ले? जो मेजर जैकोबियन प्ले इनमें से कौन सा था? एवरी मैन, रोमियो जूलियट, गोरबडक्ट या डचेज ऑफ माल्फी? तो कौन सा था? डचेज ऑफ माल्फी। डचेज ऑफ माल्फी इज द करेक्ट आंसर। 106 देखें। सम ऑफ द जैकोबियन प्ले राइट्स वर प्रोलिफिक। वन ऑफ देम क्लेम्ड टू हैव रिटन 200 प्लेज। जिसने दावा किया था कि उसने 200 प्लेज लिखे हैं वो कौन था? वो प्ले राइट कौन था? जॉन फोर्ड, फिलिप मार्जिनर, थॉमस डेकर या थॉमस हेवुड? तो कौन था? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी थॉमस हेवुड। क्वेश्चन नंबर 107 देखें। ही वाज ए म्यूजिशियन? वो म्यूजिशियन था इन द कोर्ट ऑफ हेनरी एट के कोर्ट में म्यूजिशियन था। हिज क्लेम वाज टू अम्यूज और नॉट मोरलाइज। उसका एम था अम्यूज करना ना कि मोरलाइज। हिज इंटरल्यूड्स वर हिलेरियस एंड दे पेव द वे ऑफ कॉमेडी। नेम द राइटर एंड हिज वर्क। तो वो कौन थे? थॉमस हेवुड, फोर्थ पी, द फोर पीज के लिए वो फेमस थे राइटर। 108 देखें। 108 में क्या है? व्हाट इज द चैटलियंस मैसेज टू जॉन इन द प्ले किंग जॉन्स शेक्सपियर? किंग जॉन्स शेक्सपियर में कौन सा मैसेज था? एबडिकेट और फिलिप विल अटैक, एग्री टू मैरी ब्लांच और इट विल बी वॉर, गिव अप आयरलैंड और द डेंस विल अटैक, नाइट द बास्टर्ड और सफर द कॉन्क्वेंसिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 108 में से? 108 में से करेक्ट कौन सा ऑप्शन? ए इज द करेक्ट, एबडिकेट। एबडिकेट यानी फिलिप विल अटैक। नेक्स्ट देखें 109। वट इज फेलिकन ब्रीज कंप्लेंट इन द प्ले किंग जॉन? फेलिकन ब्रीज की क्या कंप्लेंट थी किंग जॉन में? ऑप्शन ए हिज ओल्डर ब्रदर अ बास्टर्ड हैज क्लेम्ड हिज इनहेरिटेंस, हिज फादर विल्ड इट टू हिम, ही वांट्स टू इनहेरिटेंस इवन दो ही इज हिज मदर्स यंगर सन, ऑल ऑफ द अबव।
तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखें, व्हाट हैपन टू जॉन इन द प्ले किंग जॉन, किंग जॉन जो प्ले है उसमें जॉन के साथ क्या घटना घटी थी, ही ड्रोन्स, ही डाइज ओल्ड एज, ही पॉइजन बाई अ मॉन्क, या ही एबडिकेट्स इन फेवर ऑफ लुइस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी इज करेक्ट, ही इज पॉइजन बाई अ मॉन्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज करेक्ट अबाउट द स्पेनिश ट्रेजडी, स्पेनिश ट्रेजडी के बारे में कौन सी बात ट्रू है, इट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज ट्रेजडी, इट वॉज मॉडल्ड ऑन स्पेंसर रिवेंज ट्रेजडी, द प्ले डिड नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ करेक्टर्स, ओबेसिव ब्लडिंग और मिसट्रस्टफुल पोटर, इट वॉज नॉट रिटन 1582 एंड 1589। तो विच इज करेक्ट, ऑप्शन 111 का क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट है, इट वॉज मॉडल्ड ऑन स्पेंसर्स रिवेंज ट्रेजडी। नेक्स्ट देखें, 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एज यू लाइक इट इज करेक्ट, एज यू लाइक इट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, ये फॉरेस्ट ऑफ अर्डन पे बेस्ड है, इट इज़ अ ट्रेजडी, ये एक ट्रेजडी है, इट इज़ रिटन बाई बेन जॉनसन, ये बेन जॉनसन द्वारा लिखी गई है, इट कैरीज अ पोस्टल एंड अदर थीम, ये पोस्टल और अदर थीम्स पे इनको ले कैरी करती है। तो ऑप्शन आप में देखो, ऑप्शन सी तो वैसे ही आपको पता है कि एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, तो ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया, तो इट इज़ अ ट्रेजडी, और इनमें से आपने ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन निकालना है। तो ऑप्शन क्या निकलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट निकलेगा, इट इज़ बेस्ड ऑन फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन पे ये बेस्ड है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हैमलेट, देखो हैमलेट के बारे में कौन सी बात इनकरेक्ट है, ठीक है ना, कौन सा करेक्टर इनमें से नहीं है, गर्ट्रूड, मिरांडा, क्लाउडिस या पोलिनेश, तो कौन सा करेक्टर इनमें से नहीं है, तो इनमें से देखो गर्ट्रूड भी थी और ये भी था, ये नहीं थी मिरांडा, तो मिरांडा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, हैमलेट में ये नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर के प्ले के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है, देखो ट्रू, देखो चैंबरलेन, टिटस, एंड्रोनिकस, द टेम्पेस्ट, शेक्सपियर्स इन लव, तो इनमें से कौन सी बात करेक्ट नहीं है, शेक्सपियर इन लव करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये शेक्सपियर का प्ले नहीं था, बाकी सभी ये शेक्सपियर के प्ले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक सेकेंड क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ प्रॉब्लम प्ले, प्रॉब्लम प्ले के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है, इनमें से मैकबेथ, एज यू लाइक इट, किंग जॉन या ऑल्स वेल दैट वेल, इनमें से आपने ये बताना है कि कौन सा प्रॉब्लम प्ले है, तो मैकबेथ देखो ट्रेजडी है और ऑल्स वेल दैट्स एंड वेल, क्योंकि ये प्रॉब्लम प्ले है, ऑल वेल दैट्स एंड वेल, तो 115 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 116 देखें, डैस वॉज द फर्स्ट मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा का जो प्लॉट कंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट मास्टर कौन था, जॉर्ज पिलेज, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका होगा जॉन लिली वॉज द फर्स्ट मास्टर ऑफ आर्ट। नेक्स्ट देखें, 117, डैस रोट कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोंस, अल्फोंस की कॉमिकल हिस्ट्री किसने लिखी, जॉर्ज पिले, थॉमस किड, जॉन लिली या रॉबर्ट ग्रीन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 117 क्वेश्चन है, डैस रोट कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोंसी, अल्फोंसस के किसने लिखा कॉमिकल हिस्टोरी, जॉर्ज पिले, थॉमस किड, जॉन लिली या रॉबर्ट ग्रीन, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जॉन लिली ने ये कॉमिकल प्ले लिखा था। 118 देखिए क्वेश्चन, डैस इज द फर्स्ट ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट हु यूज द डिवाइस ऑफ नेमिनिश इन एन आर्टिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल मैनर, कौन सा वो ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट था जिन्होंने ये डिवाइस यूज की थी, नेमिसिस और आर्टिस्टिक साइकोलॉजिकल मैनर, किसने यूज किया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्रिस्टोफर मार्लो ने। डैश टुक द करेक्टर्स एंड मैनी ऑफ द इंसिडेंट्स फॉर थ्री ग्रेट रोमन प्लेज फ्रॉम प्लूटार्च लाइव्स, तो इसमें ऐसे आपके सामने चार ऑप्शन हैं, सैमुअल पर्चिस, थॉमस नॉर्थ, शेक्सपियर, सर वाल्टर रेगस, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, शेक्सपियर टू करेक्टर। नेक्स्ट देखें, शेक्सपियर हैज पोर्ट्रेड सफरिंग इन प्लेज, शेक्सपियर ने कौन सी सफरिंग डाली, रोमांटिक कॉमेडीज, प्रॉब्लम या ड्रामेटिक मैनर्स, तो 120 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ड्रामेटिक रोमांसिस। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियंडर्स आर बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है,
किस पे बेस्ड है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि ये पुलित्ज़र लाइव्स पे बेस्ड है। हु वाज द लीजेंडरी क्वीन ऑफ द अमेजन्स अंगेज टू थीसिस इन मिड समर नाइट्स ड्रीम? मिड नाइट्स ड्रीम में कौन सी क्वीन से अंगेज है? तो 122 का ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, हिप्पो पोरिथम। वाज द हिमार्टियाज फादर, सॉरी हर्मियाज फादर, वाज हर्मियाज फादर हु ब्रोट अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिज डॉटर टू थीसिस इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम? तो कौन था हर्मियाज फादर, कौन था? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या है आपका? एग्नस एगंस। डैश मिड समर नाइट्स ड्रीम इज अ यंग मैन ऑफ एथेंस इन लव विद हर्मिया। तो 124 का क्या ऑप्शन होगा? डी लिसेंडर। डैश शेक्सपियर डिस्क्राइब्स पोस्टल लव, किसने शेक्सपियर का लव को पोस्टल डिस्क्राइब किया? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या है? फिलोप एंड सिल्वियस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? एज यू लाइक इट, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, डॉक्टर फोस्टर्स क्विस्ट फॉर इन्फिनेट नॉलेज, जो ऑफ माल्टा, मिस्चिवलियन मैन बार्बस, और रोमियो जूलियट का क्या है? मैजिकल फॉरेस्ट। तो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी रोमियो जूलियट मैजिकल फॉरेस्ट। 127 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्ट मैच हो रहा है? रोमांटिक कॉमेडी किंगलियर, किंगलियर रोमांटिक कॉमेडी नहीं है। प्रॉब्लम प्ले हेमलेट, ये थोड़ा ठीक है। ट्रेजेडी वीनस, ये ट्रेजेडी नहीं है, रोमांटिक है। पोइम एज यू लाइक इट, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इनकरेक्ट, इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्ट यानी जो करेक्ट नहीं है, आपने गलत बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो देखो रोमांटिक प्ले है जूलियस सीजर, ये पता है। प्रॉब्लम प्ले मेजर फॉर मेजर, ये भी प्रॉब्लम प्ले है, चलो ठीक है। आगे देखो हिस्टोरिकल प्ले एंटोनियो क्रिटो पहले, ये हिस्टोरिकल प्ले नहीं है। ट्रेजेडी ओथेलो, ओथेलो ट्रेजेडी है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 117 देखें, हु डैश रोट कॉमिकल हिस्टोरिकल अल्फोंसिस? 129 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। टोटल क्रॉनिकल्स, हिलेरियंस्ट, द चीज ऑफ मार्फी, वेबस्टर, मिशलेनियस, बेन जॉनसन, आर्केमिस्ट। देखो द चीज ऑफ मार्फी तो वेबस्टर का है, तो आपने मैच करेक्टली मैच बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। तो करेक्टली मैच एक ही है, बेन जॉनसन का आर्केमिस्ट, बाकी मैच नहीं है, ठीक। हु ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड? अब किंग लियर 1616 में, सोनेट 1609 में, द किंग्स बाइबल 1611 में, इमेज ऑफ ग्लोब थिएटर 1608 में, ग्लोब थिएटर 1608 में तो नहीं हुआ था, ये तो आपका गलत है। तो 130 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किंग जेम्स बाइबल 1611 में, बाकी सारी डेट्स गलत है, एक ही डेट करेक्ट है, वह किंग जेम्स बाइबल 1611 में। आगे देखें, विच इज करेक्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑर्डर? तो हिस्टोरिकल तरफ से कौन सा क्रॉनिकल ऑर्डर में है? ऑप्शन है आपके पास, 10 सेकंड का टाइम है, तो आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। आपने देख लिया होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्माडा, जॉन मिल्टन्स बॉर्न, उसके बाद फिर ग्लोब थिएटर बर्न हो गए थे, और उसके बाद डेथ ऑफ शेक्सपियर। तो ये क्रॉनिकल ऑर्डर था, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑर्डर। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सीक्वेंस? कौन सा करेक्ट सीक्वेंस में है? ये आपके पास सामने चार ऑप्शन हैं, दो मिनट देखें, सॉरी दो 5 सेकंड देखें। तो देख लिया होगा आपने, आप ऑप्शन सी करेक्ट, लिली ग्रीन, फिर शेक्सपियर, फिर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन क्रॉनिकली ऑर्डर? इनमें से क्रॉनिकल ऑर्डर में कौन कौन से हैं? देखिए 10 सेकंड, हाँ जी, एक ऑप्शन इज करेक्ट, रोमियो जूलियट, फिर जूलियस सीजर, फिर विंटर्स टेल, फिर द टेम्पेस्ट। 134 देखें, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर वर्क ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर के वर्क के बारे में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? करेक्ट सीक्वेंस में कौन कौन से लिखे गए हैं? सीक्वेंस आगे पीछे हैं, एक ही करेक्ट है इन चारों में से, वो कौन सी है? वो है आपकी बी, कॉमेडी ऑफ एरर, उसके बाद एज यू लाइक इट, उसके बाद हैमलेट, और मैकबेथ लास्ट था, सबसे बड़ा भी था और लास्ट भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सीक्वेंस?
प्रैक्टिस इंक्वायरी में कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, देख सकते हो। एक ऑप्शन इज करेक्ट, द स्कॉटिश चौनी जम्प, फिर यूनिवर्सिटी वीट, उसके बाद ट्रांजिशनल पोइट, ट्रांजिशनल पोइट प्री रेफलेट ब्रदरहुड और फिर राइमर्स क्लब। 136 देखें, मैच द फॉलोइंग, इसमें लिस्ट ए में राइटर के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट ए में राइटर हैं और आगे सॉन्ग हैं, तो कौन सा मैच हो रहा है, आपस में मैच हो रहे हैं वो आपने बताना है। तो देखें तो कौन सा मैच हो रहा है 136 में, सी ऑप्शन इज करेक्ट, जो ए है वो फोर से मैच हो रहा है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, जो बी है वो सी तीन से, मार्लोज इज दिस फेस, सी टू लिलीज गुडबाइड एंड माई कार्पिस इज प्लेयड, और फोर्थ डी है वो ए से, जॉनसन ड्रीम टू बी ओनली विद आई आईज, काफ़ी फेमस कोटेशन है ये ड्रिंक में जी, इस पे सॉन्ग भी बना हुआ है, ये सॉन्ग ही थे ऐसे। लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना, आपने कौन सा मैच हो रहा है देखें, रोमांटिक कॉमेडी, किंग लियर, प्रॉब्लम प्ले, ट्रेजेडी पोएम, कौन सी सीक्वेंस अच्छे से मैच हो रही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पहली तीसरे से मैच हो रही है यानी रोमांटिक कॉमेडी कौन सी है, ट्वेल्थ नाइट, और बी आपका फोर्थ से, प्रॉब्लम प्ले क्या है, हेमलेट, ट्रेजेडी कौन सी है, किंग लियर, और पोएम कौन सी है, वीनस एंड एडोनिस। मैच द फॉलोइंग, अब ये मैच करने हैं, वर्क है राइटर है इधर वर्क है, तो शेक्सपियर का कौन सा है, वीनस, किड, किड की क्या है, स्पेनिश ट्रेजडी, तो आप अगर आपको दो ऑप्शन भी मिल जाते हैं ना तो भी आप ढूंढ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 138 का ए ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी किसी में सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि ए के साथ क्या है दो और डी के साथ क्या है तीन। थॉमस हेवुड का क्या होगा फोर्थ यानी स्पोजिस, और वर्मर का क्या होगा, वर्मर का होगा आपका एबिकन्स इंग्लैंड। अब ये मैच करने हैं, फिर से ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आई होप आपने देख लिया होगा, तो कौन सा मैच हो रहा है, डी पार्ट मैच हो रहा है यानी ए, एक सेकंड, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, ये सभी क्या थे, यूनिवर्सिटी वेट थे, विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम वर्चले, जॉर्ज इथरीज, जॉर्ज फारुल, ये आपके रिस्टोरियन प्लेराइट थे, बाकी आप मैच करके देख लोगे। आगे के क्वेश्चन करते हैं हम, मैच द फॉलोइंग, विमेन हेलर, मेड्स ट्रेजडी, क्यूबाइट रिवेंज और मैड लवर, सामने उनकी डेट्स लिखी हुई है, कौन सी सीक्वेंस मैच होगी आपस में, कौन सी सीक्वेंस मैच होगी, बी सीक्वेंस मैच होगी, पहला का पहला ही है, दूसरे का दूसरा ही है, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, यानी सीक्वेंस ये पहले से ही मैच है। 141 का देखें, इन द फॉलोइंग सीरीज विच वन हैज ऑल द वर्क करेक्टली मैच्ड इन देयर पीरियड, कौन से पीरियड में अपने वर्क याद हैं, तो कौन सा मैच है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, किंग लियर फर्स्ट पीरियड में था, ट्वेल्थ नाइट सेकंड पीरियड में थी, कैसीडा थर्ड पीरियड में थी, टाइमन ऑफ एंथिस ये फोर्थ पीरियड में थे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इन द फॉलोइंग सीरीज विच वन हैज ऑल द प्लेज करेक्टली मैच इन देयर वर्क, कौन सा करेक्ट मैच हो रहे हैं इनमें से, सभी ने देख लिया होगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ओथेलो ट्रेजेडी प्ले है, हेनरी फिफ्थ क्या है, हिस्टोरिकल प्ले, मेजर फॉर मेजर प्रॉब्लम प्ले, मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमिक प्ले, कॉमेडी प्ले। नेक्स्ट देखें, इन द फॉलोइंग सीरीज विच वन हैज ऑल द वर्क्स करेक्टली मैच्ड विद द ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशन, कौन से वर्क है जो अपनी पब्लिकेशन से मैच हो रहे हैं इनमें से, देखो
तो कौन सा मैच हो रहा है? सी ऑप्शन मैच हो रहा है, मेरिकल्स 1609 साइबरलेन 1609 द टेम्पेस्ट 1611 और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा 1607। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हैज़ वन ऑफ द ऑल द करेक्टली मैच्ड विद देयर राइटर्स। दोनों ऑप्शन देखें, उसके बाद दो ऑप्शन और आप देखो दिखाएंगे। नेक्स्ट देखें, दो ऑप्शन यहाँ पे हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, टोरलियस एंड कैसिडा, शेक्सपियर, ऑल फूल्स जॉर्ज चैम्पमैन, सजेनस बेन जॉनसन, द इंग्लिश ट्रेवलर जॉन हेवुड। इन द फॉलोइंग सीरीज विच वन हैज़ ऑल द सॉन्ग्स करेक्टली मैच्ड विद देयर कंपोजर्स। कौन से क्रॉली मैच हैं? देखें करेक्टली मैच्ड इनमें से डी ऑप्शन में से कौन है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी के बारे में आपने बताने हैं कि कौन सी जो स्टेटमेंट है। अब आपने बतानी है कि स्टेटमेंट एक दो करेक्ट है, एक चार करेक्ट है, तीन चार, तीन दो करेक्ट है या तीन चार करेक्ट है। फर्स्ट क्या है? द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी वॉज नॉट मॉडल्ड ऑन सीनिकन। रिवेंज ट्रेजेडी वॉज नॉट रिटन बिटवीन 1582 1589 वॉज रिटन बाई थॉमस किंड। तो 146 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, वाज नॉट मॉडल सिनिकन रिवेंज स्ट्रेटजी। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन शायद। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने इन स्टेटमेंट को समझना है। मार्लोज कंट्रीब्यूशन इज रिमार्केबल फॉर द एज एंड इंग्लिश लिटरेचर। हिज प्लेज आर फुल ऑफ पैशन एंड एनर्जी। दे आर सीम्स टू बी अ डिजायर टू डू समथिंग विच इज चार्मिंग इन इट्स सेल्फ पोर्ट्रेयल। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? 147। सो सभी है ठीक है तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है ना? सभी ठीक है तो ऑप्शन डी आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जॉन लिलीज प्लेज आर एलगोरिकल और मिस्ट्रिकल ट्यून। ये सीक्वेंस देखो कि कौन सी करेक्ट है इनमें से। पहली तीसरी ठीक है, दूसरी तीसरी ठीक है, पहली दूसरी या पहली दूसरी तीसरी, तीनों ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो ऑप्शन सी यानी पहली और दूसरी करेक्ट है। देखें, वट इज कॉमन टू द फॉलोइंग वर्क्स, आइडेंटिफाई टू करेक्ट डिस्क्रिप्शन ब्लो। करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है इसमें। टेम्बरलेन, एडवर्ड सेकेंड, डॉक्टर फोस्टर्स, जू ऑफ माल्टा, आल आर वर्क्स ऑफ मार्लो, आल आर कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, आल द हिस्टोरिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर, आल द मॉस्क्यूज ऑफ बेन जॉनसन। अब आप देखें ये किसके वर्क हैं। तो ये किसके हैं? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल वर्क ऑफ मार्लो यानी क्रिस्टोफर मार्लो के ये वर्क हैं। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से बताना कि पहली ठीक है, दूसरी ठीक है या दोनों ठीक है या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। फर्स्ट है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग बैकन्स बुक पब्लिश एंड मीन टू टीच द इंग्लिश रीडर्स हाउ टू थिंक ऑफ नॉलेज एंड हाउ टू मेक यूज ऑफ इट। बैकन डिनोट्स टू थ्री सब्जेक्ट, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, वेलफेयर ऑफ हिज कंट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, वेलफेयर ऑफ हिज कंट्री एंड द रिफॉर्म ऑफ रिलीजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो ये तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? बोथ ए बी, ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। विच इज कॉमन टू फॉलोइंग वर्क्स आइडेंटिफाई टू करेक्ट फॉर डिस्क्रिप्टिव ब्लो, ऐसे नोवी मॉर्गन, हिस्ट्री ऑफ पेंट्स, द जू, एटलांटिक्स कोड। आपने बताना है कि ये किसने लिखे हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ देम आर वर्क्स बाई फ्रांसिस बैकन। सभी वर्क किसके हैं? फ्रांसिस बैकन के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एलडाइस निकोल शेक्सपियर कॉमेडी इज द यूनिफॉर्म ऑफ रियलिज्म, फैंटास्टी एन एडिशन ऑफ फिलोसफिकल इनसाइड, इज नॉट सेट इन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, डज नॉट फ्रीक्वेंटली एंड विद अ मैरिज सेलिब्रेशन। तो आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड करेक्ट है, फर्स्ट फोर्थ करेक्ट है, थर्ड सेकेंड करेक्ट है या थर्ड फोर्थ करेक्ट है।
इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है? तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है आपका, पहला और दूसरा, यानी पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। इज यूनी वन ऑफ 153 देखें, व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग वर्क्स, कौन से फॉलोइंग वर्क्स कॉमन है, आइडेंटिफाई करना है इनको। टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, साइबरलेन, ट्वेल्थ नाइट, कैम्बरलेन है, सॉरी कैम्बरलेन। तो कौन सा इनमें ऑल ऑफ वर्क्स, ऑल सभी शेक्सपियर की कॉमेडी है, सभी हिस्टोरिकल प्लेज है, सभी प्रॉब्लम प्ले है, या सभी रिटन बाय बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के तो ये नहीं है। तो 153 में तीन ऑप्शन रह गए, इनमें से देखो कॉमेडी है, हिस्टोरिकल प्लेज है, या प्रॉब्लम प्ले है। तो 153 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारी कॉमेडीज हैं। टेम्पेस्ट में भी कॉमेडी है, एज यू लाइक में भी, ट्वेल्थ नाइट में भी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, कॉमेडीज। व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लेज, आइडेंटिफाई, व्हाट, ऑल करेक्ट डिस्क्रिप्शन, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट। तो ये आपको पता है कि सभी ये क्या थे, हैमलेट, ओथेलो, सभी में मारकाट मची थी। तो ये कौन से थे, सभी क्या थे, सभी ट्रेजेडी थी, कुछ कुछ ना कुछ बुरी घटना हो रही थी, उसके बाद उसका रिवेंज लिया जा रहा था। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शेक्सपियर इम्प्लॉयड सोर्स फॉर हिज प्लेज आर नॉर्थ, नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ पुलकार्च लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रेशियंस एंड रोमांस, शेक्सपियर मेड चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ रोमांस। अभी इसमें तो बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है कि दोनों आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब 156 देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू जॉन मर्डर, सॉरी मर्डर किसका करते हैं, मस्कर, मर्कर, सॉरी जॉन एम मर्कर, सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले और शेक्सपियर के प्लेज की फीचर कौन सी थी। दे यूजली हैव एपिसोडिक प्ले प्लॉट्स, एपिसोडिक प्लॉट होते थे। दे रिफ्लेक्ट द पोलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ बुक्स। दे यूजली डू नॉट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी और कॉमेडीज। दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द पर्सनल बेसिस ऑफ द प्ले राइट। तो इनमें से आपने बताना कि कौन सी करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टू फर्स्ट, फोर्थ या थर्ड फोर्थ, इसमें आपकी कौन सी करेक्ट होगी। आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यानी पहली और दूसरी करेक्ट होंगी, बाकी नहीं होंगी। 157 में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एम सी बार्टले, शेक्सपियर ट्रेजेडी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री एक्सपोजिशंस, कॉन्फ्लिक्ट, कैटास्ट्रोफ, आर कंसर्न्ड प्राइमरली विद वन पर्सन, द ट्रेजिक हीरो, डज नॉट एंड विद द डेथ ऑफ ट्रेजिक हीरो, डज नॉट अंडरगो सफरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ। तो इनमें से कौन सी करेक्ट है, तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, फर्स्ट और सेकेंड आपकी करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू पीटर जे लहार्ट, शेक्सपियर्स रोमन प्ले हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, दे आर नॉट सेट इन एंशियंट रोम, ब्लड मैंथम, सॉरी मेहम एंड वायलेंस आर नॉट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस प्ले, सुसाइड इज डिपिक्टेड एज एन इंपॉर्टेंट रोमन कस्टम, और रोमन आर डिप्यूटेड एज सेल्फ कॉन्शियस, थियरेटिकल और हिस्टोरिकल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड या थर्ड, फोर्थ, कौन सी स्टेटमेंट 158 में करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, थर्ड और फोर्थ आपकी दोनों करेक्ट है, ये ऊपर वाली करेक्ट नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपने देखनी है, पहले ये दो देखो, शेक्सपियर एंड हिज कंपनी बिल्ड ग्लोबल थिएटर, सॉरी दे गोट द नेम एंड फेम इन थियोरेटिकल लाइफ, नेम और फेम लिया था इन्होंने थियोरेटिकल लाइफ में, और इन्होंने ग्लोबल थिएटर भी किया था। तो इन दोनों में से बताना है कि कौन सी, ओनली वन, ओनली टू, बोथ ए बी या ए टू, कौन सी आपकी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यानी बोथ ए बी दोनों करेक्ट हैं। विच इज़ द कॉमन, विच इज़ द फॉलोइंग वर्क इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन बिलो, कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ए टेल ऑफ अ टब, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द आर्केमिस्ट एंड वोल्पोन, ऑल कॉमेडीज ऑफ जन बेन जॉनसन, ऑल द मॉस्क्यूज ऑफ बेन जॉनसन, ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर या ऑल द एसेज ऑफ बैकन। अब इनमें से देखना, आपने एक भी अगर आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा प्ले किस द्वारा लिखा गया है, तो आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके कई प्ले हैं इसमें, चार प्ले हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा, ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखे गए हैं। 160 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 161 देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर, जस्ट सेकेंड, विच ऑफ दीज बिलोंग टू द मेजर ट्रेट्रोलॉजी, रिचर्ड सेकेंड, जॉन किंग जॉन,
हेनरी फिफ्थ या हेनरी फोर्थ, इनमें से आपने बतानी है कि मेजर टेट्रोलॉजी कौन सी है। 161 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फर्स्ट और थर्ड यानी रिचर्ड सेकंड और हेनरी फिफ्थ सही है। 162, विच ऑफ दीज वर्क्स बिलोंग टू शेक्सपियर, इनमें से कौन से वर्क शेक्सपियर के हैं। द विच, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, द मेजर फॉर मेजर, केशियर और पोम्पे। अब इनमें से देखो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड मेजर फोर मेजर आपको पहचान में आ गया ना देखते ही कि विलियम शेक्सपियर के हैं, तो कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी दूसरा और तीसरा आपका किसका है, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, बाकी विलियम शेक्सपियर के प्ले नहीं है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ दीज इज और आर रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर, रोमन प्ले कौन से हैं इनमें से शेक्सपियर के हैं। सारे शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन इसमें से बताना है कि रोमन प्ले कौन से हैं, रोमन प्ले कौन से हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट, वन और फर्स्ट और सेकेंड, जूलियस सीजर और एंटोनी क्लियोपेट्रा, ये रोमन प्लेस हैं। विच ऑफ दीज वर्क्स नोट नोट कोलोबरेशन ऑफ बियोमाउंट एंड फ्लीचर, इनमें से चार ऑप्शन हैं आपके सामने, इनमें से कौन से कोलोबरेशन है, कौन से वर्क इन्होंने मिलकर लिखे हैं दोनों ने। 164 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यानी थर्ड और फोर्थ, ये दोनों इन्होंने मिलकर लिखे हैं, बियोमाउंट ने और फ्लीचर ने, क्यूबिड रिवेंज और स्कॉर्नफुल लेडी। 165 देखें, हुज कोलाबरेशंस आर फॉलोइंग वर्क, द फॉल्स वन, द नाइट्स ऑफ माल्टा, द डबल मैरिज, द ऑनेस्ट मैंस फॉर्चून, फ्लीचर एंड बियोमाउंट, मैजिनर एंड फ्लीचर, मैसिंगर एंड फ्लीचर एंड नॉथनफील्ड। कौन सा ऑप्शन आपका, ओनली वन, टू या टू और थ्री या टू और फोर्थ, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 165 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड और थर्ड, यानी सेकेंड और थर्ड मेजर। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फेमस प्लेज कोटेशन, विच फेमस प्ले डज द कोट, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, कि जब हम तीनों मिलेंगे, थंडर लाइटनिंग होगी, रेन बारिश होगी, तब। कम फ्रॉम, कि कौन से प्ले में ये बात आई थी कि हम मिलेंगे तभी थंडर होगा, बादल गरजेंगे, बारिश होगी। 166 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, नहीं मैकबेथ में, वो तीनों बीच इस बात करती ना कि तीनों चुड़ैल हम जब इकट्ठे होंगे दोबारा से तो ऐसा होगा। 167 देखें, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ्स दैट वी आर अंडरलिंग्स, हु सेड दिस इन विच प्ले, ये बात किसने कही थी और कौन से प्ले में कही थी, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट रहेगा, ये कैशियस ने कही थी जूलियस सीजर में। फेयरवेल ओथेलोज ऑक्यूपेशंस गोन, व्हाट डज दिस क्राई सिग्निफिकेंस, ये क्राई क्या सिग्निफिकेंस कर रही है। ऑप्शन चार आपके सामने देखें, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा, द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्लोज द थिएटर एज प्यूरिटन्स केम टू पावर, क्योंकि प्यूरिटन को पावर मिल गई थी इसलिए ब्रिटिश ने थिएटर क्या कर दिए थे, बंद कर दी थी। इन विच ऑफ शेक्सपियर प्ले फॉलोइंग लाइन आर पियर, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, थाउ आर्ट नोट सो अनकाइंड एज मैंज इन ग्रेटिट्यूड, तो ये कौन सी पोइम की लाइन है। 169 की बी ऑप्शन करेक्ट है, एज यू लाइक इट, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 169 देखें, सॉरी 170, इन 1609 एन अनयूजुअल इवेंट टू प्लेस, एक अनयूजुअल इवेंट हुई, विच गेव अ थीम टू शेक्सपियर वन ऑफ हिज इंचेंटिंग प्लेज, एंड इंग्लैंड सिप डिसअपियर एंड ऑल अबाउट वर गिवन अप फॉर लॉस्ट एवरीवेयर दे, हाउएवर ए ईयर लेटर द सेलर केम बैक, दे हैड बीन शिपरेक्ड ऑन द अननोन बरमुंडास एंड वर टेरिफाइड बाई मिस्टीरियस नॉइजेस विच दे थॉट केम फ्रॉम द डेविल्स, दिस अकाउंट वॉज यूज बाई शेक्सपियर इन, ये सारी बातें शेक्सपियर के कौन से प्ले में थी, तो कौन से प्ले में थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, द टेम्पेस्ट में थी। 171 देखें, विच फेमस शेक्सपियर्स प्ले डज द कोट, ये कोटेशन कौन सी में है, माई सैलेड सेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट, तो ये कौन सी है, ऑप्शन ए करेक्ट है, एंटोनी और क्लियोपेट्रा में। विच फेमस शेक्सपियर्स प्ले डज द कोट, नाइदर आ बोरो नोर आ लेंडर बी, ना तो कोई उधार लेने वाला ना उधार देने वाला, कम फ्रॉम, कौन सी लाइन से ली गई है, ये काफ़ी फेमस कोटेशन है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, हैमलेट में से लिया गया है। विच फेमस शेक्सपियर्स प्ले डज द कोट, कौन सी कोट है, हाउ शार्पर देन अ सरपेंट टूथ इट इज टू हैव ए थिंकलेस चाइल्ड, कम फ्रॉम, ये किस कोटेशन से है।
किस प्ले से ये कोटेशन ली गई है? 173 का ए ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि किंग लियर से ली गई है, उसने अपने एक डॉटर को बाहर निकाल दिया था घर से। विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट, कौन सा शेक्सपियर का फेमस प्ले था जिसमें ये कोटेशन है? द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर्स कम फ्रॉम, ये कौन सी प्ले से ली गई है? 174 में से बताएं कौन सा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, किंग हेनरी सिक्स पार्ट टू में से ली गई है। हु सेज, ये किसने कहा? गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट, किसने किया? 175 डी होरेशियो ने। माई बाउंटी इज एज बाउंडलेस एज द सी, नेम द वर्क, आपने ये वर्क बताना है कि कौन सी लाइन से ली गई है ये लाइन। माई बाउंटी इज एज बाउंडलेस एज सी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोर्स सॉरी 176 में से बताना है, ये तो हो गया आपका होरेशियो, ठीक है 176 सी ऑप्शन रोमियो और जूलियट। नेक्स्ट देखें, लेट मी नो टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, नेम द वर्क एंड द ऑथर, वर्क का नाम बताना है और ऑथर का नाम बताना है। तो ये सोनेट नंबर 116 विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, लेट मी नो टू मैरिज ऑफ टू माइंड्स, ये पोइम भी है बीए सेकंड फर्स्ट ईयर में बता रहे हैं सेकंड ईयर में। ऑल द वर्क्स ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रीज, नो मैन इन दिस टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स हिज एक्ट्स बींग्स सेवन एजेज, हु कोट दिस लाइन, ये लाइन किसने लिखी? बेन जॉनसन ने, थॉमस डेकर ने, विलियम शेक्सपियर ने या थॉमस हेडल्टन ने? तो ये किसने लिखी है? सी ऑप्शन करेक्ट है, विलियम शेक्सपियर ने। 179 देखिए, आई नो डेथ हैथ 10,000 सेवरल डोर्स फॉर मैन टू टेक देयर एग्जिस्ट एंड इट्स फाउंड दे गो ऑन सच स्ट्रेंज ज्योमेट्रिकल थिंग्स एंड यू मे ओपन दैम बोथ वेज एनी वे और फॉर हैवन सेक, नेम द ऑथर एंड वर्क, ऑथर और वर्क का नाम बताना है। 179 का बी ऑप्शन करेक्ट है, जॉन वेबस्टर द डचेज ऑफ मालपी। अब हम लास्ट क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन इज 180 क्वेश्चन। There is a tide in affairs of man which taken at the flood leads on to fortune omitted all the voyage of their life is bound in sallows and in miseries on such a full sea are we now afloat and we must take the current when it serves or lose our virtues, ye kisne likhi? John Webster, John Ford, William Shakespeare ya Philip Marginal Marsinger, sorry 180 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, विलियम शेक्सपियर ने। तो आपको सीरीज़ कैसी लग रही है जरूर कमेंट करें, थैंक यू।